क्वेश्चन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी दीज आर दिविन ऑप्शन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है की नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इनमें मोस्टली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की डिसोसिएशन रिएक्शन हो रही है और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमें यहाँ पे शो की हुई है तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं दैट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन तो दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे ये जो हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गिवन है ये रिएक्टेंट साइड पे गिवन है तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि इनका ये जो हो रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का जिसमें भी लोअर के की वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है राइट क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कम वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दैट वो रिएक्टेंट जो है कम डिसोशियट हो रहा है दैट दैट वो वो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है है जो ऑक्साइड नाइट्रोजन का वो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है तो यहाँ पे हम इस चीज को मैंशन कर देते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ के लोअर द वैल्यू ऑफ के दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट लेस विल बी द लेस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्संट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट इक्विलिवरियम इक्विलीवि हैंस द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो कि रिएक्टिंग साइड पे प्रेजेंट है

के की वैल्यू लोअर किसके लिए है वही जो रिएक्टेंट होगा हमारा वो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन का तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ऑप्शन ए है इसके लिए यहाँ पे के की सर्टेन वैल्यू है ऑप्शन बी के लिए भी है ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू है के की वो है ऑप्शन डी के लिए तो दैट मींस ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का ये अपने प्रोडक्ट्स में कम डिसोशिएट हो रहा है दैट मींस ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का ये मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है नाइट्रोजन का तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन डी सो आई एल जस्ट राइट दिस at the end that thus the correct answer is correct answer is option d i hope you understood the explanation thank you